नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हुआ दोबारा तो मैं सच में बता रहा हूँ। Energy, bro. Hey, yo, good morning. I'm Anas Uthappa. Guys, it's a new day. I'm Aman Kumar Vlogs. I hope you all guys doing great. I'm doing great. You guys know, guys. क्या पता है क्या दुनिया जीवन गाइस बहुत झंडे चल रही है, मतलब जीवन अच्छा चल रहा है। अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था और अभी मैं जस्ट रुका हूँ क्योंकि मेरे को अभी जाना है कहीं। उसके पहले गाइस पूरा इंट्रो कंप्लीट करते हैं, यू नो लाइक पूरा कर लेते हैं पहले दो तीन मिनट का काम पूरा। तो गाइस अगर आप लोग चैनल नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप लोग गाइस न्यू हो मेरे चैनल में मैं बोलना चाहता हूँ ब्रो मेरा नाम है अमन, आप लोग देख रहे हैं अमन कुमार व्लॉग्स और मैं ब्लॉग बनाता हूँ यहाँ और मैं मरने में भी वाला हूँ। तो अभी मैं ना जा रहा हूँ गाइस एक्चुअली गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल में मेरी बहन रहती है जो दूर से आई है और वो यहाँ पे रहती है, वो यहाँ पे पढ़ाई कर रही है एक्चुअली में क्या नर्सिंग बीएससी नर्सिंग कर रही है वो। तो उसके हमारे घर में जब कुछ अच्छा बनता है ना तो आजकल हम उसके यहाँ पे भिजवा देते हैं। एक्चुअली दूसरी बार है जो मैं जा रहा हूँ, आज हम लोग भिजवा रहे हैं उसको शायद नॉनवेज। एक दिन और गया था मैं लेकिन वहां का मैं दिखाया नहीं था वीडियो क्योंकि मैं उसको दूसरे दिन मैं कभी डालूंगा ब्रो। अभी को मेरा प्लान ऐसा कि अभी मैं जाऊंगा, अभी बारिश गिर रहा था लेकिन ना बारिश में कार में जाने का डिसाइड हुआ कि फिर कार पंचर हो गई तो फिर अभी पानी रुका है तो फिर मैं वापस से स्कूटी में जा रहा हूँ मतलब बाइक में जा रहा हूँ ऑफकोर्स। तो चलो चलते हैं, उससे पहले वहां पे कुछ नहीं लिखेंगे वहां क्योंकि साफ नहीं है ना आज, रहने दो अभी अपन बस ऐसे चलते हैं चप्पल पहन के सीधा क्यों ना चप्पल को क्या मतलब है गाइस। मेरा राइट हैंड भी अभी भी टूटा हुआ है, अभी भी मेरा राइट हैंड सही नहीं है। आई एम गोइंग इन पल्सर। क्या क्या मतलब मैं नहीं जाऊं? हम लोग बस निकल चुके कार में, बस में नहीं एक्चुअली अपन लोग निकले कार में और हम लोग पहुंचने ही वाले अपन सेक्टर 9 हॉस्पिटल तक पहुंच ही गए हैं। अब बस मैं उसको कॉल करूंगा जैसे मैं ब्लॉग को क्लोज करूंगा, उसके बाद फिर ना मैं कॉल करूंगा बोलूंगा कि नीचे आ तू और फिर उसका सामान वो पीछे में वहां उस थैली में रखा हुआ है और अपन जा रहे हैं बस सामने और चक्का बनवाना है जो कार का टायर पंचर हो गया तो मैं कॉल करता हूँ बस आ गए। वहाँ पे उसका वो है हॉस्टल, मैं एक्चुअली मैं उसका व्लॉग भी बनाया था बहुत पहले बट मैं उसको सोचा कि व्लॉग अपलोड नहीं करूंगा क्योंकि मैं एज अ नॉर्मल बना दिया था और वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी इस कारण मैं उसको नहीं डाला। मम्मी क्योंकि मेरी कचर कचर करती है। बस ये देखो ये आ गया पीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बस अब कॉल करते हैं उसको। गाइस आज बैड लक है, आज अंदर जाने नहीं मिल रहा क्योंकि आज संडे है तो फिर ना वो भैया चल दिए देने के लिए और ये पीजी नर्सिंग। किस्मत खराब है कोई बात नहीं, आज मिल नहीं पाएंगे उससे, वो टिफिन दे देगी एक्चुअली जो उसको वापस करना है दोबारा। बस यही है, यहाँ से मैं खड़ा हूँ कॉलेज का लाइफ कितना अच्छा होता होगा ना, लेकिन वो बोलती है कि आके फंस चुकी हो एकदम जेल जैसा हो गया है, यहाँ से निकलने नहीं मिलता है कहीं। देखो यार अब कॉलेज लाइफ है क्या ही एक्सपेक्ट करो। गाइस हो गया और मेरा ये भी आ गया जो मतलब कि जो पहले टिफिन देने गया था, अरे साउंड कम कर इतना हल्ला कर रहे हो गया। ओ, मैं थोड़ी ना गया अंदर, वो भैया गए अंदर, मतलब कि आज संडे है ना तो अलाउ नहीं है। नॉर्मल में देता जाने के लिए लेकिन ऐसे नहीं देता। गाइस आज ना जाने भी नहीं दे रहे थे, मतलब कि चिकन बोल के ना नॉनवेज बोल के जाने नहीं दे रहे थे लेकिन वार्डन से बात किए मेरा नाम चलता है तो इस कारण मिल गया जाने के लिए। मजाक कर रहा हूँ कुछ अपन का टायर का काम हो चुका है। यहाँ पे जो भैया थे ना बहुत अच्छा ज्ञान दिया अपन को कि टायर में अभी अला है वो कुछ मत करवाओ, जो स्टेफनी था उसको रखे रहो वरना वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए अब अपन उसको करवा दिया। और भैया अभी टायर का चेक कर रहे हैं हवा चारों का, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे फिर घर जाएंगे अपन। गाइस अपन लोग ना बहुत पहले आ गए थे वहां से, मतलब कि जहाँ पे टिफिन विफिन दिया उसके बाद फिर टायर पंचर का बनवाए उसके बाद फिर घर आ गए अपन लोग। और अभी मैं जा रहा हूँ एज यू गाइस ऑल नो मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ। गुड ब्रो गुड गुड। तो अभी मैं ना गाइस बस तैयार हो गया था जाने के लिए और गाइस अभी मैं व्लॉग अपलोड कर रहा था और आप लोग ये सोचो 93% में आके जब आप लोग अपलोडिंग अटक जाए आपका नेट पूरा 2 GB उड़ जाए बस कितना डर लगता है, मेरे को डर लग रहा था आज। फिर मैं मम्मी को हॉटस्पॉट दिया फिर अपलोड हो गया 100% हो गया कंप्लीट। स्माइल आ जाता है पता है जैसे मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ ना स्माइल आ जाता है देख स्माइल। गाइस हर्ष क्या बोला आपकी
क्वेश्चन एक बोल बोल नहीं, नहीं, नहीं। बोल बोल आपकी स्माइल ना बहुत डेंजर है भैया। अंकल कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ सॉरी माँ बोए हर्ष यहाँ पे नहीं हर्ष नहीं सॉरी प्रियांशु सॉरी आ जा बैठा कोर्ट में आ चुका हूँ मैं स्टेडियम में आ चुका हूँ स्टेडियम बोलते हैं ना हॉल 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 स्टेडियम हॉल में आ चुका हूँ और अपन ना अब खेलने वाले थोड़े देर में वहाँ पे वो वेट कर रहे मेरा हर्ष वहाँ पे जो मेरे साथ खेलता है वो ब्लॉग में देखेगा कल अपने आप को। और हर्ष कुछ बोलना चाहता है अचानक से कहां से इतना लाइट आ रहा है यहां पे लगता है ज्यादा लाइट जला। हाँ ये वाला लाइट जलता नहीं था ये वाला लाइट जलने लगा है अच्छी बात है। तो अब खेलेंगे अपन सब लोग खेलेंगे डबल्स फाड़ता हूँ आज तू देख तू मेरे टीम में रहेगा अपन दोनों साथ में अपना बोल के पहले बोलते हो कि फाड़ोगे नहीं तो तू मेरे साथ रहेगा ना इनकी फाड़ेंगे ना भाई इनकी मिलके फाड़ेंगे। मैं तो हर्ष के ही साथ रहूंगा गाइस ये ना बहुत बड़ा प्लेयर है मतलब स्ट्रेट प्लेयर है ये भाई तू का मैं हर्ष और मैं साथ रहेंगे। मम्मा चाय नहीं पी रहा था इसलिए ऐसा लग रहा था। टीवी शट अप शांत गाइस अभी रात का बज रहा है 12:05 और बारह को और अभी मैं बनाया हूँ चाय मतलब रात की चाय थी शाम की क्योंकि आके मेरा थक गया। और मम्मी जो जो बोल रही थी ना वो एकदम सच था जो आप लोग देखोगे ब्लॉग के एक्चुअली में एंड में एकदम 20 सेकंड के बाद अभी ना मेरा मैटर हो रहा है साथ बोलता है कि थंबनेल चेंज कर। एक बात बताओ इस थंबनेल में दिक्कत क्या है थंबनेल नहीं दिखाऊंगा वरना बोलेगा कि वीडियो का पार्ट हटा। गाइस डैम ब्रो यू आर पार्ट ऑफ अमरनाथ गैंग ब्रो यू आर पार्ट ऑफ अमरनाथ गैंग यू शुड बी अ बीस्ट मोड ब्रो बीस्ट मोड चाहे कोई तुम्हारा कुछ भी करे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई बात नहीं ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त है जिनको फर्क पड़ता है लेकिन उनमें से एक नहीं है वैसा दैट सुदीप दैट्स व्हाई ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। तुम लोग उससे सीखना चाहिए कुछ उसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता वो रियल अमरनाथ है ब्रो वो रियल है रियल वो हसल करता है वो ग्राइंड करता है। आई डोंट केयर बी लाइक हिम ब्रो कुछ भी डाले कोई भी तो मतलब ना पड़े तुमको मेरे यहाँ पे सटके पड़ा है तुम्हारे कारण मेरे को टेंशन हो रही था। इफ यू वॉचिंग दिस यू ब्रो आई डोंट गिव अ फक उसका नाम भी हटा दूंगा मैं उसका नाम भी नहीं बोलूंगा मैं। दिस इज सीरियस ब्रो दिस इज गेटिंग कप है मेरे घर में कुछ नहीं हुआ है कुछ नहीं टूटा है ठीक है कुछ नहीं टूटा है घर में कुछ भी नहीं टूटा है सब चीज टाइट भी बंद नहीं हो रहा है। यो यू ओ माय गॉड यहां तक ही फेंका है मेरे चाय में तो नहीं गिरा मेरे गली के अंदर वो जाके कड़ आएगा मेरा गला फिर मैं ब्लीड करूंगा। जीसस क्राइस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं एक बार ना उसको वो कर लूंगा छान लूंगा। आ गया कुछ था नहीं वैसे कुछ मिला तो नहीं नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हुआ दोबारा तो मैं सच में बता रहा हूँ ब्रो सच में मैं सीरियस हूँ ये व्लॉग के लिए नहीं है बट ये एज अ गाय एज अ व्लॉगर हूँ नमन कूल डाउन शांत ओके शांत इफ यू गाइस अगर ऐसा कुछ है पहले ही बोल दो कि मेरे को नहीं आना वीडियो में सब लोगों को बोलता हूँ मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि अगर व्लॉग में नहीं आना है बोल दो बट जब ये बात एक्स्ट्रा टाइम में चल देता है मेरा कि मैं उस चीज में इतना मेहनत किया उसके बाद फिर मेरे को ऐसा सुनने में आ रहा है ये कर दे वो कर दे वीडियो डिलीट कर दे कुछ आम बात है वीडियो डिलीट करना अपलोड करना यू शुड गाइस स्टॉप नाउ जिसको आना है वीडियो में बस वही रहना नहीं आना है जहां गाइस अभी मैं चाय पीता हूँ उसके बाद आता हूँ। अभी लाइट गोल हुआ था मैं बस ये ना बाल सेट ही कर रहा था अपना उतने में लाइट भी आ गया किस्मत अच्छी है। और गाइस मैं जब यूट्यूब से पैसा आएगा ना और गाइस मैं पहले बता देता हूँ मेरा मूड एकदम शांत हो गया जिसको मैं इतना कुछ बकाऊ ना जिसके लिए मैं इतना कप तोड़ा ना भाई लुक आई डोंट गिव अ फक बाय द वे। तो अब मैं गाइस जैसे मेरे यूट्यूब से पैसा आएगा ना सबसे पहले मैं तो रूम में इतना लाइटिंग लगाऊंगा ना एक कोने वहां पे लाइट 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 वहां पे लाइट यहाँ पे दो लाइट है यहाँ पे एक लाइट मतलब पूरे रूम में ना चारों तरफ रोशनियों से भर दूंगा। गाइस अब झाड़ू करेंगे क्योंकि अपन जो कप को तोड़े ना टाटा इसका है शट द फक अप मैं बहुत सीरियस मूड में था अभी अभी भी मैं हूँ
पूरा झाड़ू करेंगे क्योंकि किसी के पैर में घुस जाएगा तो मैटर हो जाएगा, फिर मेरे को थप्पड़ थप्पड़ बैठा के थप्पड़ मारा जाएगा। फिर आई नीड असिस्टेंट, मेरे को असिस्टेंट चाहिए जो मेरे पूरे घर का मतलब कि जितना भी मैं कप तोड़ू ना वो सबका पूरा काम करे। वो देखते हैं जैसे अपन बड़े थोड़े इंसान बन जाएंगे, बड़े मतलब कि थोड़े अच्छे यू नो लाइक फेमस, पैसा सा थोड़ा कमाने लगेंगे तो दूसरों को भी देंगे क्योंकि मैनेजर मैनेजर एडिटर को भी रखेंगे। फिर एक दिन में दो ब्लॉग बनाऊंगा ब्रो, दो ब्लॉग मजा आ जाएगा। झाड़ू और अब इसको एक्चुअली मैंने पूरा उसमें पूरा झाड़ू करके फेंक दिया, मतलब झाड़ू करके पूरा ना सामान जितना भी बिखरा हुआ था उसको फेंक दिया। और गाइस आई थिंक मेरा अब ये चीज बोलने का सही टाइम रहेगा। गाइस अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो और मेरे ब्लॉग को पहली बार देख रहे हो और मेरे शक्ल को पहली बार देख रहे हो तो गाइस मैं आज से दोबारा ये क्या बोलते हैं कप तोड़ना चालू कर दिया, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर कप तोड़ना है तो। और गाइस इसी बात में मैं बोलना चाहता हूँ यही था आज का ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आप सब लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। यू नो लाइक मैं 62 डेली ब्लॉग्स पोस्ट कर चुका हूँ, आज का एक्चुअली में जो अपलोड किया ना उसको मिला के 63 था। डेली नहीं बोल सकता, बीच बीच में गैप हुआ था क्योंकि मेरे को सीवियर हेडेक का प्रॉब्लम है। वो पहले होता था मेरे को एक दो महीने पहले, लेकिन अभी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो गाइस यही था आज का ब्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ कल नए ब्लॉग में। ब्रो आई एम जस्ट डूइंग द थिंग दैट आई वॉन्ट, यू नो लाइक मैं बस वो सब चीज़ कर रहा हूँ जो मैं चाहता था, जो मैं 2018 में स्टार्ट किया था उस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि अब मैं उसको पूरा करूँ। मेरे जितने गोल्स थे मैं उन सबको अचीव करूँ एक साथ, यू नो लाइक ये मेरा जर्नी है गाइस। और जिस दिन कॉलेज स्टार्ट होगा उस दिन आप लोग मेरे को देखोगे ब्रो, मैं अपने दोस्तों के साथ ब्लॉग बना रहा। और गाइस मेरे दो बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ मेरे ही कॉलेज में रहेंगे, आप लोग उन सब लोगों को देखोगे। मैं पूरा कॉलेज का पूरा गाइस 4 साल डेली ब्लॉग करूंगा लिटरली में, दिस इज क्रेजी ब्रो, दिस इज सिक। अगर तीसरा बेस्ट फ्रेंड भी अगर आ जाएगा ना गाइस तो आप लोग बोल सकते हो कि लाइफ वो गाइस वो मोमेंट ऐसा रहेगा ना कि यार ब्रो शिट मजा आ जाएगा बहुत ज्यादा। बट लेट्स सी क्या होता है, ऊपर वाला जो चाहेगा वो होगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अब ये सीरियस वाला भाई।